नमस्कार बंधुओं, आज का विषय रहेगा फल और सब्जी व खूबसूरती। त्रिवेणी का अनोखा संगम, करौंदा, क्रैनबेरी, कैरिसा, करंडाज, नेटल प्लम, कैरिसा ओवेटा, कैरिसा बिस्पिनोजा, इस पर आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। लौटता हूँ बहुत ही शीघ्र, वीडियो पूरा देखिएगा और ये भी बताइएगा कि जिस फल या सब्जी पर मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरा चैनल तो सिंपल गार्डनिंग है लेकिन फन विद गार्डनिंग या गार्डनिंग विद फन कैसा रहेगा। हाँ, तो दो एक मिनट के बाद करौंदे पे लौटूंगा। जी, मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार, गाना, काश प्यार के दिन रोज आए, बार बार आए, लेकिन ये क्या दिन आ गए हैं, कर्म कांड के, क्रिया कांड के, या कहें पाखंड के। मेरा मतलब है, मेरी मुराद है श्राद्ध व नवरात्र में किए जाने वाले कार्य। श्राद्ध, तर्पण, पितृऋण, पितरों को खाना, ये सब क्या है सिवाय कर्म कांड या पाखंड के। सनातन धर्म के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धी, पारसी, ज्यूज और सैकड़े छोटे मोटे धर्म वह सब इन चक्रों में नहीं पड़ते क्या? उनका भला नहीं होता? वह तो जानते भी नहीं कि श्राद्ध या नवरात्र क्या है। आज से 600 साल पहले नानक ने बंधुओं देखा है कि व्यक्ति कौवे यानी कौवे को खीर खिला रहा है, तो उन्होंने कहा कौवे को खीर तो खिलाना अच्छा है जीव दया परवान, लेकिन तेरे पिता तो इस समय भेड़िए की जून में हैं, जाकर जंगल में दर्शन करा। वो तो एक अवतारी पुरुष थे, कह सकते थे, लेकिन हम सबका यही हाल है। शमशाद बेगम का गाना, जीते जी किसी ने ना जाना, मरते ही ख्याल आया, जवां है मोहब्बत, हंसी है नज़ारे। बजाय भूखे गरीब नंगे को रोटी खिलाने के श्राद्ध में पकवान खिलाए जाते हैं। पहले उसे मणो पेट छोरे ब्राह्मणों को, अरे वो तो आते हैं सिल्क का कुर्ता सूट पहने, ओमेगा की 5 लाख की रिस्ट वॉच डाले और 10 उंगलियों में रतिन जड़न आभूषण लिए। इतना ही नहीं, गले में 1.5 किलो का हार भी होता है। क्या आप समझते हैं इनके द्वारा खाया भोजन पितरों को पहुंचेगा? अरे बुजुर्गों को याद 365 दिन हल पल करना चाहिए, हमारा तो रोम रोम ऋणी है माता पिता का। फिराएंगे नवरात्र खूब शोर, खूब डेज डीजे, खूब दिखावा, यहाँ तो पखंड की चरम सीमा। मैं तो शाकाहारी हूँ लेकिन मांसाहारी जो करते हैं मुबारक, लेकिन जब देखता हूँ कि लोग कहते हैं नवरात्र में मांसाहार नहीं करते, अरे भाई 365 दिन ही शाकाहारी क्यों ना बनाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। केवल नवरात्र, मंगल या शनि का पाखंड क्यों भाई? नो आंसर। इस दिन यह कार्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, यह फूल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यह बात सुनते सुनते ऊब चुका हूँ, सुनने क्या, पढ़ना भी है और देखा भी है। अरे ये भगवान है या ब्रोकर, मेडिएटर है या दलवाल? भगवान तो हैं ही दया के सागर, उनको ऐसी चीज़ों की क्या जरूरत आन पड़ी। चलते चलते हंसी आती है जब ये पढ़ता हूँ, देवता का मंदिर, भगवान का मंदिर, घर भवन देखने योग्य होगा, अखबारों में आता है, टीवी पर प्रसारित होता है, और फूल थाईलैंड और कीनिया से मंगवाए जाएंगे। हम क्या अर्पित करें भगवान को? उसी का दिया खाते हैं, उसी को अर्पित करें, कौन सा बड़प्पन है। खैर चलिए, अब लौट चले। करौंदा, क्रैनबेरी, जैसे कि मैंने बताया, इसे बंगाल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, बिहार, यूपी और हमारा वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र का कोंकण एरिया सभी में पाया जाता है। तभी तो भारत सरकार का सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट यानी कि सूखाग्रस्त इंस्टीट्यूट गोधरा में है, जिसको सहायता मिलती है बीकानेर और जोधपुर के इंस्टीट्यूट से। ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल सैंडी लोम में सिवाय चिकनी मिट्टी के ये करौंदा हर जगह उग सकता है। इसके लिए एसिडिक सॉइल एज यूजुअल 5 से 8 पीएच की बेहतर रहती है। करौंदा की बेहतरीन किस्मों में पंत मनोहर, पंत सुदर्शन और पंत स्वर्ण होती हैं, इससे बेहतरीन किस्म का अचार बनता है।
ये जो किस्में आपके सामने हैं ये काले रंग में हैं, ये छोटा साइज है, ये कोंकण बोल्ड किस्म है, ये जाम, चैली, चटनी, मुरब्बे में महारत हासिल है। लगने में इस जो वैरायटी है ये आसान है अपेक्षा करें, ये थोड़ी कठिनाई से अगर 10 में से 5 कटिंग्स इसकी लग जाएंगी तो बामुश्किल 10 में से एक इस काले वाले की लगेंगी। खैर बंधुए, आपको पता है करौंदे के क्या लाभ हैं? मूत्र संबंधी जितने भी रोग हैं, यूरिन डिजीज, पाचन, डाइजेशन, हार्ट, सकरबी जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, पिंपल्स से मुंह भर जाता है, बालों का गिरना रुकता नहीं है, इनमें तो ये कमाल की चीज है। संस्कृत में करमर्दा, बंगाली में करकचा, गुजराती में करमंदा, तेलुगु में बाका कहा जाता है। रही बात इसके पौष्टिक तत्व की, तो इसमें थायोमिसिन, रिबोफ्लाविन, नियासिन, फायरोडॉक्सी यानी विटामिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 12 भरपूर मात्रा में होता है। गोया बी कम्प्लेक्स की तो ये खान है। इसके अलावा बायोटिन, फोलिक एसिड, एंटी कैंसरिक एजेंट प्रोटोसाइनिन व एंटी कोगुलेंट एजेंट्स यानी कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो कि जर्म, फंगी और बग से बचाते हैं, इससे भरपूर है। इसको लगाना बहुत ही आसान है। सीड से उग जाता है, कटिंग से, एयरलिनिंग से, बडिंग से, गुट्टी से, ये इसके सीड हैं। ये देख रहे हैं आप, 1 इंच मिट्टी या रेत, मिट्टी या कोकोपीट, मिट्टी या दूसरे लीका टाइप की एजेंट्स में इसको डाल के बड़ा किया जा सकता है। इसमें इंसेक्ट तो कोई खास नहीं है, पत्तों में लीफ माइनर लग सकता है, आप उस पर लगा सकते हैं नीम का स्प्रे या इमीडा मेलाथियन थायोमिक्सिन या फिर मेटासिस्टॉक अगर आप रसायन प्रयोग करते हैं। जहाँ तक बीमारी की बात है तो इसमें कोई खास नहीं लगती। शुरू में पानी का ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा ना दें सीडलिंग ताकि ख़राब ना हो। बहुत ही गजब की चीज़ है, ज़रूर लगाइएगा बंधुए। उम्मीद है रोशन रोशन सब्जी करौंदा, रोशन फल करौंदा, गाय गोया की गुणों की खान करौंदा, इसे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे और इसे ज़रूर लगाएंगे। आजकल मौसम भी आइए हैं इसके बीज 10 दिन में निकल आएंगे, बड़े भी हो जाएंगे, फल भी बनेंगे, खाएंगे भी। उम्मीद है आपको जानकारी कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगी। चलता हूँ, नमस्कार।